हाय दोस्तों, जय हिंद, गुड इवनिंग। तो साथियों, फिर आज आपके लिए सिविलियंस के लिए एन एक्स सर्विसमैन भाई, जो लोग भाई लोग अपने फौजी भाई हैं जो आर्मी से रिटायर्ड होकर के आ गए हैं, उनके लिए भी बेहतर सिक्योरिटी की जॉब लेकर के आया हूं। और वो जॉब रहेगी आपकी बड़ौदा के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अपना पेमेंट इन हैंड आफ्टर पीएफ और ईएसआई, यानी जो भी अभी सैलरी बताऊँगा वो पीएफ और ईएसआई कटने के बाद बताने वाला हूं। सिक्योरिटी गार्ड के दोस्तों, हमारे को इसमें सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। 21,500 रुपया सैलरी है इन हैंड, ड्यूटी 12 घंटे की रहेगी, ठीक है, 30 दिन। और उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है कि रूम फ्री है, रूम आपको कंपनी की तरफ से एकदम फ्री दिया जाएगा, सिर्फ आपने खाना यहाँ पर प्रोवाइड करना है। और बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सिर्फ इसमें 10th पास से काम चल जाएगा। दूसरी बात करते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की, इसमें पेमेंट है दोस्तों वो है 24,000। अभी मैं सिर्फ सिविलियन की बता रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन का मैं बाद में बताऊंगा। तो इसमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर की सैलरी है 24,000 इन हैंड है, पीएफ और ईएसआई कटने के बाद में, रूम इसमें भी फ्री है। और दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन 12th पास है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात साथियों, आप ये भी सुन लो कि कम से कम सुपरवाइजर के लिए 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड के अंदर। वही बात करूँ मैं सिक्योरिटी गार्ड की, तो सिक्योरिटी गार्ड में भी कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2 साल का तजुर्बा आपका होना ही चाहिए, तभी आपको ये सैलरी मिल पाएगी। अभी बात करते हैं दोस्तों सिक्योरिटी ऑफिसर की। तो इसमें दोस्तों 27,000 पेमेंट है इन हैंड, पीएफ और ईएसआई काटने के बाद में। इसमें भी रूम आप लोगों को फ्री दिया जाएगा, कंपनी प्रोवाइड कराएगी। और इसमें जो इसकी क्वालिफिकेशन मांगी है वो है ग्रेजुएशन, साथ में कम से कम इसमें 5 से 7 साल का आपका सिक्योरिटी का तजुर्बा होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। अभी जैसे इसमें मैंने जो बताया वो लिख भी दिया, 2 साल 5 साल 7 साल, इन तीनों जॉबों के लिए। अभी बात कर लेते हैं हम एक्स गनमैन के लिए। गनमैन 27,000 इन हैंड, जिनके पास गन है उनको 27,000 पेमेंट मिलेगी इन हैंड, 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी, 30 दिन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अभी एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 33,000 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी, 8 घंटे की 30 दिन, यानी जो लोग 8 घंटे की ड्यूटी 30 दिन करेंगे उनको 33,000 इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। अभी बात करेंगे डॉक्यूमेंट की, तो आधार कार्ड, पान कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि एजुकेशन सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, पुलिस वेरिफिकेशन, और 5 इसमें चाहिएंगे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद गनमैन, जो गनमैन के लिए करेगा अप्लाई, उसके लिए गन लाइसेंस होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के पास डिस्चार्ज बुक, पीपीओ की जो कॉपी आती है आपको पता ही है, और आई कार्ड, या तीनों चीज़ भी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल डिस्चार्ज कार्ड भी रहेगा आपका, तो उससे भी काम आपका चल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने अभी ये 3-4 जॉब आप लोगों के लिए बताई हैं। अभी जो भी आप इच्छुक हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, वो भी आप, मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप कॉल करके बाकी भी जानकारी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पहले अपना वो जो कॉल करोगे डॉक्यूमेंट है इस पर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इस पर सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट ही भेज दीजिएगा जो मैंने बताएं। तो वो डॉक्यूमेंट अगर आप भेज पाओगे तभी कॉल करने से फ़ायदा है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट जो मैंने बताएं वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप बिल्कुल कॉल भी ना करें, किसी को परेशान बिल्कुल भी ना करें। जो मैंने डॉक्यूमेंट बताएं, अगर आपके पास इतना तजुर्बा है तभी कॉल या अपने डॉक्यूमेंट भेजें, फ्रेशर बिल्कुल भी इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट या कॉल बिल्कुल भी ना करें। जैन साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़रूरतमंद को जॉब मिल पाए। और बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जॉब की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत साथियों।